हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। तो आज मैं आपको बताने वाला, हमारे पास एक स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर 005। ये क्या है, कस्टमर कहना है कि इसमें चार्जिंग पूरी रात रहता है लेकिन ये ऑन नहीं होता है। तो आज हम इसका डेड सोल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। उसने कहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा है और कितनी बार भी चार्ज पूरी रात चार्ज भी लगा के रखता है तब भी ऑन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आज हम इसका डेड सोल्यूशन करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर इस तरह के आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं एक बार कि ये हमारा बैटरी कितना परसेंट चार्ज। हम सबसे पहले इसका यहाँ पर इसका बैटरी वाला ये निकालते हैं और हम इसमें बैटरी को चेक करेंगे कि हमारी ये बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर रखेंगे फ्रेंड्स और इसके बाद हम बैटरी चेक करेंगे कि हमारी बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी बैटरी है 3.25 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक हमारे पास एक दूसरी बैटरी है, हम उसे चेक करते हैं फिर हम उसे कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा ये कितने परसेंट चार्ज है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरी बैटरी है, हम उसे देखते हैं और उसे लगा के हम चेक करेंगे कि वो कितने परसेंट। फिर आप देख सकते हैं 3.82 हमारी चार्ज है। हम इस बैटरी को लगाकर इसको बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा ऑन होता है या नहीं। ये हमने बैटरी लगा दिया है, अब हम इसको ऑन करेंगे। एक बार हम इसमें चार्जर भी लगा के कनेक्ट करके देखते हैं। ये हमारा चार्ज कनेक्ट हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चार्ज हमारा ये कनेक्ट है, लाइट जल रही है। लेकिन हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन में आती है तो उसकी दो तीन चीज़ हो सकती है फ्रेंड्स। क्या सपोज़ क्या कभी कभी क्या होता है कि जो आपका जो ये स्पीकर है उसमें कभी कभी आपकी बैटरी अगर फुल चार्ज भी है तब भी वो आपका जो है इसको ऑन नहीं कर रहा है, तो आपको बैटरी रिप्लेस करनी होगी, दूसरी बैटरी से डालकर उसको चेक करना होगा। इसके बाद अगर वो बैटरी भी दूसरी बैटरी से भी ऑन नहीं होता है फिर आपको क्या देखना है, यहाँ देखना है कि आपको कहीं सर पर ये शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। आपको ध्यान से देखना है कि कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं जला हुआ तो नहीं है। आपको देखना है चार्जिंग अगर आपकी सही कनेक्ट है, कोई सब कुछ देखने वाला, और आपको कोई आईसी वाईसी डैमेज वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। अभी एक फ्रेंड इसका ज़रा तार यहाँ पर टूट गया, मैं इसको तार कनेक्ट करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस। तो फ्रेंड्स अगर आपकी बैटरी भी सही है, बैटरी सही भी बैटरी है और आपके फिर भी आपका ये ऑन नहीं हो रहा है, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इन फिर आपको क्या करना है, अपना पावर जो या आपका आपको जो पावर की है आपको इसे चेक करना है। हम क्या करते हैं अभी इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं और बैटरी कनेक्ट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ये पावर की तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये हमारा स्टार्टिंग नहीं हो। ज़्यादातर केसों में फ्रेंड्स क्या होता है, आपका जो ये पावर की है ये आपका कभी कभी डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से आपका ये काम नहीं करता है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें कनेक्ट करेंगे और अब हम इसके पावर की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब जो आपके पास जो चिमटी वगैरह होती है, अब इस चिमटी से हम देखेंगे इसके आपके पावर की में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। हम शॉर्ट करके देखते हैं कि कौन से शॉर्ट से ये आपका ऑन हो सकता है। हम चिमटी से इसको और इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ से और फिर देखें हमारा ऑन होता है या नहीं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऑन हो चुका है शॉर्ट करने से। हम दोबारा देखते हैं कि ऑन ये ऑफ होता है या नहीं होता है, तो ये हमारा ऑफ हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑन ऑफ का बटन है ये आपका फ्रेंड्स ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास कोई पुराना बोर्ड होगा तो आप उसे यहाँ से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है कि आपने शॉर्ट करके देखा तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये ऑन हो गया।
इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपका जो ऑन ऑफ का ये बटन है ये आपका ख़राब हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक पुराना स्पीकर रखा हुआ है, हम उसमें से इसको जो है चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और फिर हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।